तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सेकंड क्लास की प्रैक्टिस आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से कर ली है। अगर आपको स्ट्रेट लाइंस परफेक्टली निकालने आ रहे हैं तभी आप थर्ड क्लास की प्रैक्टिस शुरू करिए। थर्ड क्लास में हम सीखने वाले हैं मेहंदी में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उसको कहते हैं हम हम्स। ये अभी मैं ये जो हम्स निकाल रही हूँ वो सबसे छोटे वाले हैं, ये एकदम बारीक वाले हैं। तो ये इसकी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, एकदम सारे फर्स्ट टू एंड अच्छे से एक लाइन में आने चाहिए, छोटे बड़े नहीं आने चाहिए। अभी जो सेकंड निकाल रही हूँ थोड़े बड़े निकालने हैं, हाइट उसकी थोड़ी बढ़ानी है। ठीक है, देखो फर्स्ट में और सेकंड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ मैंने उसकी हाइट थोड़ी बढ़ाई हुई है, बाकी एक ही लाइन में आ रहे हैं सब, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड जो निकालोगे वो इससे भी बड़े निकालने हैं, हाइट में भी और विड्थ में भी। देखिए ऐसे बड़े बड़े निकालने हैं। ये तीन टाइप के हम्स की आपको आज प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारे ऐसे बेल्ट टाइप हमको सीखने हैं आगे, बहुत सारे हैं। आज हम सिर्फ अलग अलग टाइप के हम्स वाले फिलिंग वाले डिज़ाइन, जो हर शेप में फिलर एलिमेंट्स होते हैं ना, फिलर एलिमेंट्स बारीक बारीक डिज़ाइन, वो अलग अलग टाइप के आज हम देखने वाले हैं। बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं लेकिन चेंजेस दिखते हैं जब हम निकालेंगे। तो अभी ये स्पाइरल वाला जो राउंड राउंड है ये किस तरीके से निकालने हैं कि छोटे बड़े निकालने हैं। ये डिज़ाइन भी फिलर एलिमेंट भरते टाइम बहुत अच्छे लगते हैं। इसको इस तरीके से निकालना है कि बीच में गैप नहीं दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर वो एकदम से बैठे हुए हैं और एकदम राउंड शेप में निकालने हैं, बिल्कुल भी गैप नहीं दिखना चाहिए अंदर। अभी नेक्स्ट बॉक्स में हम अलग डिज़ाइन निकालेंगे। बॉक्स में प्रैक्टिस इसलिए करना है आपको एक शेप मिले, आउटलाइन मिले, कि आप वो आउटलाइन के अंदर बराबर आपकी फिलिंग फिलर एलिमेंट्स प्रॉपर भरे। आप ऐसा नहीं कि बॉक्स निकाल रही हूँ इसलिए आपको भी बॉक्स में निकालना है, नहीं, आप सर्कल शेप में निकालिए, नहीं तो फिर कैरी के शेप में भी आप निकाल सकते हैं। बस हमको फिलर एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है अलग अलग टाइप के। ठीक है, अभी मैं जो फिलर एलिमेंट बना रही हूँ उसमें क्या है, एक सिंगल राउंड है और उस पर मैं मीडियम साइज के हम्स बना रही हूँ। तो ये सारे जो फिलर एलिमेंट्स हैं हमको अभी याद नहीं, जब हम ब्राइडल मेहंदी निकालते हैं तब इतने टाइप के याद नहीं आते, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हम अलग अलग टाइप के जब ऐड करते हैं डिज़ाइन में तो वो एक प्रोफेशनल मेहंदी का लुक देती है, कि बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हम जब ऐड करते हैं, एक ही फिलर एलिमेंट हम हर जगह यूज़ करेंगे ना तो वो एकदम बिगिनर वाली ब्राइडल मेहंदी दिखेगी, बिल्कुल भी प्रोफेशनल वाली ब्राइडल मेहंदी नहीं दिखेगी। इसलिए हमको अलग अलग टाइप के फिलर एलिमेंट्स सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये एक हो गया, दो टाइप के फिलर एलिमेंट यहाँ पर सीख लिए हैं। यहाँ पर गलती क्या होती है कि आप जब ये भरते हैं ना तो बीच में गैप रहते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ ना, इस तरीके से जो अंदर गैप है ना वो गैप रह जाते हैं। यहाँ पर दो फ्लावर के बीच में जो गैप है ना, यहाँ पे नहीं है। ये मैंने बॉक्स में जो प्रॉपर डिज़ाइन बनाई यहाँ पे एक भी गैप नहीं है। यहाँ पर गैप जो बनते हैं ना तो वो बिगिनर्स जब प्रैक्टिस करते हैं ना तब हो जाते हैं ये वाले गैप्स, ये होने नहीं चाहिए। पूरा प्रॉपर फील दिखना चाहिए, पूरा भरा हुआ दिखना चाहिए। दो टाइप के हो गए, तीसरा टाइप का बॉक्स में स्टार्ट करती हूँ। तीसरे टाइप के बॉक्स में हम एक न्यू फिलर एलिमेंट सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट बॉक्स रेडी है मेरा। इसमें डिज़ाइन भरने के लिए आपको एक और टिप देती हूँ। ये जो स्पाइरल है पूरा अंदर तक, तीन चार राउंड सर्कल बना के स्पाइरल अंदर तक गया, ये एक टाइप। ये दूसरा टाइप की एक ही लाइन बनाई अंदर, और ये तीसरे में सिर्फ एक सर्कल बनाया और चौथे में अंदर एक बड़ा डॉट बना के उसके आजू बाजू एक सर्कल बना दिया। अभी ये डॉट एक सबसे छोटा, थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा डॉट बनाते टाइम क्या कि ऐसे मेहंदी ऐसे नहीं स्प्रेड नहीं करनी है, एक ही जगह बहुत सारी मेहंदी प्रेस करनी है, इस तरीके से डॉट्स बनाने हैं। अब ये एक छोटी सी टिप है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो बड़ा सर्कल बनाया था तो उसके बेसिस पर अभी ये हम अलग टाइप का फिलर एलिमेंट बनाएंगे। ये सिंगल सर्कल है
और उसके ऊपर मैंने मीडियम साइज़ के हम्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। आपको भी इस तरीके से एक बॉक्स बना के प्रॉपर वो पूरा बॉक्स फिल करना है। कहीं पर भी बॉक्स में खुली जगह नहीं दिखनी चाहिए, एंड टू एंड वो बॉक्स फिल होना चाहिए। शेप कोई भी खुला छोड़ सकते हैं क्या हमको, शेप की कोई भी साइड, तो ये बॉक्स हमारा एक शेप है जिसको हमको कंप्लीट फिल करना है। अभी हम आ गए हैं चौथे हमारे फिलर एलिमेंट में। तो यहाँ पे हम फिलर एलिमेंट किस तरीके से बनाएंगे, एक आइडिया है, एक डॉट बनाएंगे, उसके ऊपर दो लेयर्स देंगे और मीडियम साइज़ के, नहीं सॉरी मीडियम नहीं है, एक छोटे साइज़ के हम्स बनाए, उसके ऊपर बड़े वाले हम्स बना के उसको डार्क किया। डार्क करने के बाद उसके ऊपर मैंने एक सिंगल लेयर दे दी। यहाँ पे फिर से एक डॉट, दो लेयर, छोटे वाले हम्स, बड़े वाले हम्स, उस पर एक थिक लाइन और उसके ऊपर एक सिंगल लेयर। ये भी फिलर एलिमेंट बहुत खूबसूरत और बहुत यूज़फुल है, हर एक मेहंदी में, हर एक डिज़ाइन में बहुत यूज़ होता है। ये भी बहुत सुंदर दिखता है ये फिलर एलिमेंट। एक डार्क लाइन, एक लाइट लाइन, ठीक है। अभी मैं फास्ट फास्ट इसको फिल कर देती हूँ ताकि आपको बोर ना हो, आपको भी इसी तरीके से पूरा बॉक्स फिल करना है। चलिए चलते हैं हमारे फिफ्थ फिलर एलिमेंट्स की तरफ। क्या करेंगे हम कि वो जो ये स्पाइरल बनाया था जिसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन हमने सर्कल में एक ही लाइन अंदर की तरफ खींची थी, वो टाइप का पूरा बॉक्स हम एक ही साइज में फिल करेंगे। छोटे बड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बीच में गैप भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अभी मैं ये भी फास्ट फास्ट पूरा बॉक्स फिल कर देती हूँ ताकि आपको बोर ना हो। चलिए चलते हैं सिक्स्थ फिलर एलिमेंट की तरफ। चलिए एक और टाइप का सर्कल बताती हूँ। एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर एक लाइन लेके जानी है और एक बड़ा सा डॉट बना के देना है। दूसरा एक सर्कल बनाना है और उसके सर्कल के एंड को ही हमको एक डॉट बना के देना है। ये दो टाइप के भी सर्कल यूज होते हैं। तो चलिए ये टाइप के सर्कल को हम हमारे नेक्स्ट फिलर एलिमेंट में ऐड करते हैं। देखिए छोटे व बारीक वाले हम्स बना रही हूँ, दो लेयर के हम्स बना दिए। अभी सर्कल बनाया, एंड में डॉट दिया सर्कल के, उसके ऊपर एक लेयर बनाई और उसके ऊपर दो लेयर के बारीक वाले हम्स बनाए। सर्कल बनाया, उसके एंड को डॉट दे दिया, एक लेयर बनाया उसके ऊपर, दो बारीक हम्स के लेयर बना दिए उसके ऊपर, ठीक है। चलो ये भी मैं फटाफट फिल कर देती हूँ। अभी नेक्स्ट फिलर एलिमेंट की तरफ चलते हैं। देख रहे हैं आप, बहुत बारीक बारीक सी चेंजेस है, लेकिन उससे डिज़ाइन कितनी चेंज होती है। जो फिलर एलिमेंट बनाएंगे उसमें एक सर्कल के एक लेयर अंदर जाके डॉट बनाया, और पहले का कैसे बनाया कि सर्कल बना के एंड में ही डॉट दे दिया। अभी जो सर्कल बना रही हूँ उसका सर्कल बना के अंदर ले जाके मैं डॉट दे रही हूँ, राइट। अभी इसमें फ़र्क आप ही देखिए, दो डिज़ाइन में डिफरेंस है कि नहीं। तो ये डिज़ाइन एकदम छोटे से डिफरेंस से चेंज हो गई। तो चलिए ये भी बॉक्स में जल्दी जल्दी से फिल कर देती हूँ। अभी जो नेक्स्ट फिलर एलिमेंट हम बनाएंगे वो थोड़ा सा हटके हैं, उसमें हमको कोई भी हम्स या फिर स्पाइरल्स सर्कल यूज़ नहीं करने हैं। एक छोटे छोटे बारीक बारीक सर्कल यूज़ करने हैं जिससे कि उसके अंदर गैप नहीं दिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हर एक सर्कल हर एक साइड से एक दूसरे से चिपका हुआ है। देख रहे हो, बिल्कुल भी अंदर स्पेस नहीं है। भले ही वो प्रॉपर सर्कल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन स्पेस नहीं दिखना चाहिए अंदर। अभी ये जो आप बनाओगे ना इस तरीके से, तो बीच में पूरा वाइट वाइट स्पेस दिखेगा, मेरे में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। हर एक जो सर्कल है, एक दो सर्कल भी नहीं दिख रहा है वो प्रॉपर तरीके से। बनाते वक्त हमको सर्कल बनाना है, लेकिन जब हम उसको हर एक साइड में अटैच करेंगे ना, तब वो सर्कल का शेप थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, लेकिन वो डिज़ाइन ही वैसी है कि ऐसे बनाना है कि बिल्कुल बीच में गैप नहीं दिखना चाहिए। वो सर्कल की हर एक साइड एक दूसरे से अटैच होनी चाहिए। तो आ गया समझ में। तो चलिए ये भी मैं फास्ट फास्ट फिल कर देती हूँ पूरा बॉक्स। हो गया फिल। अभी मैं हमारा नाइन्थ लास्ट वाला फिलर एलिमेंट आपको दिखा रही हूँ। चलिए नाइन्थ वाला फिलर एलिमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाली डिज़ाइन, सेकेंड वाली जो सिंगल
लाइन थी अंदर वो तो निकाली, लेकिन ये बहुत सारे जो अंदर अंदर सर्कल है वो वाली एक भी नहीं निकाली अभी तक ना। तो चलिए वो वाली डिज़ाइन हम ट्राई करते हैं, फिलर एलिमेंट बनाते हैं उसका। ये जो ज़्यादा अंदर स्पायरल वाली सर्कल थी उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे वाले दो लेयर के हम्स बना दिए हैं, दो लेयर के। तो चलिए ये भी मैं फास्ट फास्ट फिल कर देती हूँ। ये हो गया हमारा 9th फिलर एलिमेंट। तो आपको आज की क्लास सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है, और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।